गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं शेखर सक्सेना अपने चैनल मैथ्स वाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे दिलचस्प और मज़ेदार बातें बताने वाला हूं, जिन्हें सब रोचक तत्व के नाम से जानते हैं। रोचक तत्वों को सभी लोग पढ़ना चाहते हैं क्योंकि इनसे हम बहुत कुछ नया और पुराना सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, कैंडल यानी कि मोमबत्ती, मोमबत्ती को अगर आप जलाने से पहले एक दिन फ्रिज में रखते हैं तो वह दुगनी समय तक जलेगी। फैक्ट नंबर टू, बारकोड को कौन नहीं जानता? और आपको पता होना चाहिए कि बारकोड की काली लाइन को स्कैन नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसके बीच के सफ़ेद रंग को स्कैन किया जाता है। फ्रेंड्स, ओसाका सिटी में बनी गेट टावर बिल्डिंग इंजीनियरिंग की दुनिया में बेहतरीन नमूना है। दरअसल यह वर्ल्ड की इकलौती ऐसी बिल्डिंग है जिसके बीच में से एक्सप्रेस हाईवे गुजरता है। हाईवे बिल्डिंग की 5वीं, 6वीं और 7वीं मंजिल को कवर करता है। इन फ्लोर्स पर कोई भी घर नहीं होता है। फैक्ट नंबर फोर, दोस्तों, टॉयलेट करने का अधिकार हर किसी व्यक्ति को होता है, लेकिन स्विट्जरलैंड देश में आप रात 10 बजे के बाद टॉयलेट करने नहीं जा सकते हो, क्योंकि 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार की आवाज़ लोगों की नींद को ख़राब कर सकती है। यदि गलती से भी आपने यह नियम तोड़ा तो आप समझ लीजिए कि आपको जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। फैक्ट नंबर फाइव, दोस्तों, साल 2011 में संगम के तट पर आयोजित कुंभ मेले में पूरी दुनिया की ऐसी भीड़ जुटी थी कि इस भीड़ को अंतरिक्ष से भी देखा गया था। है ना हैरान करने वाली बात। फैक्ट नंबर सिक्स, क्या आपने कभी तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर देखा है? यदि नहीं तो मैं आपको बताता हूँ, यह पोस्ट ऑफिस कहीं और नहीं बल्कि भारत देश में ही है। वैसे तो भारत में डाक का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जहाँ 155,015 डाकघर हैं। एक अकेला डाकघर लगभग 7,175 लोगों की मदद हेतु तत्पर रहता है। देश के ऐसे डाकघर में श्रीनगर के डल झील का डाकखाना भी शामिल है। यह तैरता हुआ डाकघर है और इसकी शुरुआत साल 2011 में हुई थी। फैक्ट नंबर सेवन, दोस्तों, हम सभी लोग यह जानते हैं कि व्यक्ति अपनी आँख से सभी वस्तुओं को देख पाता है। यदि आप भी ऐसा सोचते हैं तो यह गलत है। दरअसल हम कोई भी वस्तु अपनी आँख से नहीं बल्कि अपने दिमाग की मदद से देख पाते हैं। आँख तो सिर्फ हमारे दिमाग तक जानकारी को लेने का काम करती है। फैक्ट नंबर एट, फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि पसीने में बदबू आती है। कभी कभी तो व्यक्ति से इतनी बदबू आती है कि बर्दाश्त तक नहीं कर पाते हैं। दरअसल इसके पीछे का राज यह है कि पसीने में किसी तरह की बदबू नहीं होती है, बल्कि ये तो बैक्टीरिया का कमाल है जो पसीने के साथ मिलकर दुर्गंध पैदा करता है। फैक्ट नंबर नाइन, जिस शैम्पू से आप अपने बालों को धोकर चमकदार बनाते हैं उसका आविष्कार भी भारत में ही हुआ है। दरअसल शैम्पू शब्द चंपू से बना है। चंपू का मतलब है मालिश। यह शब्द संस्कृत से निकला शब्द है। जब अंग्रेज भारत आए तब उनकी नज़र इस शैम्पू यानी रीठा, आंवला और फलों के गूदे के मिश्रण पर पड़ी। वो इसे अपने देश लेकर गए और वहाँ पर शैम्पू शब्द के साथ इसे बाजारों में उतारा गया। फैक्ट नंबर टेन, दोस्तों,
दुबई दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। यहाँ के लोगों के पास पैसा भी बहुत होता है। जहाँ एक ओर दुबई का नाम सबसे अमीर देशों में आता है, वहीं दूसरी ओर इसका नाम सबसे मोटे लोगों के देशों में भी आता है। और इस समस्या को दूर करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने अपने मोटे सिटीजन्स के लिए एक स्कीम निकाली, जिसमें अगर कोई मोटा व्यक्ति अपना 1 किलो वजन कम कर लेता है, जी हाँ दोस्तों, अपना 1 किलो वजन कम कर लेता है, तो वहाँ की सरकार उसे 2 ग्राम गोल्ड यानी कि सोना फ्री में देगी। वाओ, क्या बात है, काश ऐसा इंडिया में भी होता। गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू।